जी, सबसे पहले तो मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, उनके विश्वास का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जन जन के नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय हम लोग के सोनिया गांधी जी, और हमारे सीएलपी लीडर साहब हैं, प्रभारी जी आज आए हुए हैं, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर जी हैं सभी, और जोगिंदर भैया हैं, सत्यानंद सर हैं, सभी लोगों ने, गीता दीदी ने है सभी, और जी, और खास करके हमारे अग्रणी नेता श्री शिवो सोरेन जी, हमारे बाबा, और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके जनता की सेवा के लिए आगे दिए। कितनी चुनौती है आपके लिए? ये चुनौती कुछ नहीं, क्या चुनौती है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, सभी लोग हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। क्या क्या मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जाइए जी? मुद्दा क्या है, मुद्दा तो बहुत सारे मुद्दा है, और सभी मुद्दों पर हमारी सरकार और अब हम लोगों की विधायक जो थी हमेशा काम कर ही रही थी, और खास करके हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो काम है उसी मुद्दे पर उनको जन जन तक पहुंचाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की जो सरकार है क्या काम कर रही है, और यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक जो ममता देवी जी, उन्होंने क्या किया आम जनता के लिए, इन सब चीजों को लेकर हम लोग गाँव गाँव तक, टोला टोला तक, और एक एक जनता के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। कामों को लेकर आप जाएंगे जी? बहुत सारा अधूरा काम है, जैसे कि खास करके हम लोग किसान क्षेत्र है गोला में, सबसे पहले भैरवा जलाशय वहाँ पर नहर का काम अधूरा है आज 20-25 साल से, उसको मैं सबसे पहले पूरा करूंगा, और बहुत सारी है चीजें जो स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर और सिंचाई, किसान के लिए के कुछ करना चाहते हैं, वो सब सारी चाहिए है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।